हेलो यार गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ ओमकार सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। टे गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंटैक्स पार्ट 8। हमने इससे पहले 7 पार्ट पूरे कर लिए हैं और सिंटेक्स की हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें सिंटेक्स ऑफ वर्ब हम पढ़ रहे हैं। इस समय सिंटेक्स ऑफ वर्ब का हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज हम पार्ट बी कंप्लीट करते हैं। जो बचे हुए रूल्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। 2 से 3 पार्ट अभी और सिंटेक्स ऑफ वर्ब से मिलेंगे आपके लिए। आइए चलते हैं, मेहनत करते रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा निराश मत होइए, निराशा मन में कभी मत लाइए। आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये ध्येय सोच करके कि हाँ हम बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कार्य में जुट जाइए, सफलता श्योर मिलेगी। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट, वेस्ट नहीं होती है, कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं होता है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपका साथ देगा। बी केयरफुल बी चीयरफुल, सावधान रहिए हमेशा, प्रसन्न रहिए और मन को खुश रखिए, निराशा मन में मत लाइए, हर चीज़ समझ में आएगी। मस्ती में पढ़िए, बिल्कुल फ्रेश मूड में पढ़िए, कोई प्रेशर मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, एक एक चीज़ समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं आज का ये वेस्ट सेशन। सिंटेक्स ऑफ वर्ब, सिंटेक्स पार्ट 8 है हमारा। सिंटेक्स ऑफ वर्ब का बी पार्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे वाक्यों को सही करिए। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, मैनी ए टीचर टीच ए वैल्यूएबल थिंग। अब रूल इस प्रकार हो सकता है, मैनी ए या मोर देन वन, मैनी ए या मोर देन वन का यूज जो होता है प्लूरल अर्थ रखता है, मैनी और मोर देन वन, ये क्या होते हैं सेंस, इनका प्लूरल होता है, लेकिन इनके साथ वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर यूज होती है। तो ये सेंटेंस दिया हमारा, मैनी ए टीचर, मैनी ए टीचर, मैनी कई, ए टीचर टीचर अर्थात एक टीचर की बात कर रहे हैं, कोई खास टीचर की नहीं, एक विशेष टीचर की बात नहीं, हर टीचर की बात की जा रही है। तो हर टीचर प्लूरल सेंस रखते हैं। अब इनके साथ जो वर्ब यूज हुआ वो प्लूरल हुआ है, हमने बताया सेंस तो इसका अर्थ प्लूरल निकलता है, लेकिन वर्ब इनके साथ जब मैनी ए या मोर देन वन का यूज हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जो सीधी सीधी हमारी वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल वर्ब कहलाती है। जो मेन वर्ब होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म वो क्या होती है, प्लूरल होती है, उसमें एस ई एस जोड़ करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। और देखिए नाउन जो होता है उसमें एस ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, इसका थोड़ा सा अपोजिट सेंस है। वर्ब हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल सेंस में होती है, उसमें एस ई एस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं, और नाउन जो होती है वो सिंगुलर होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी कह सकते हैं, एस ई एस लगा के उसे हम प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ई एस एड कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, टीच को हटा देंगे। तो मैनी ए टीचर टीचेस ए वैल्यूएबल थिंग, अर्थात मैनी ए टीचर, हर कोई टीचर, हर कोई अध्यापक वैल्यूएबल महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में शिक्षा देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी लोगों के बारे में चर्चा की जा रही है, किसी एक विशेष अध्यापक की बात नहीं, हर अध्यापक की बात काफ़ी एक जाति विशेष का भाव प्रकट कर रहा है। तो प्लूरल सेंस रख रहा है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है हमारा, द नंबर ऑफ बीमैन, देखिए बीमैन प्रोनाउंस पढ़े बीमैन, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है हिंदी में लिख दे रहा हूं, वी मैन,
सिंगुलर होगा, अगर यहाँ ए होता तो वुमेन पढ़ते, यहाँ ई है प्लूरल सेंस में, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे वीमेन, वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखिए द नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद मोस्टली प्लूरल नाउन का प्रयोग होता, नाउन कैसा होगा प्लूरल, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर यूज होगी। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो नंबर होगी संख्या की बात, ये लार्ज नंबर बड़ी संख्या, लेकिन बाद में इनके बाद ऑफ के बाद क्या होगा प्लूरल नाउन यूज होगा, और वर्ब कैसी होगी सिंगुलर यूज की जाए, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब का भाव प्रकट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ वीमेन काफी बड़ी संख्या, बाद ने बर नहीं बल्कि यहाँ लगाएंगे बाज लगाएंगे, बाज प्रेजेंट इन द पार्टी। तो द नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। उम्मीद है एक एक बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आती है किसी चीज़ को तो दोबारा देखिए वीडियो को, पॉज करके समझिए, और इतने पर भी नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मर्यादित शब्दों में कि फलां चीज समझ में नहीं आई बताई जाएगी। द मॉब हैव गैदर्ड इन द मीटिंग हॉल, अब देखिए इसके पीछे रूल्स जो हैं, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग समूह के रूप में हो, ग्रुप के रूप में हो, तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, हम नाउन में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग ग्रुप से अलग हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं वर्ब प्लूरल लगाते हैं, मतलब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग समूह के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अलग अलग हो, अलग अलग भाव प्रकट करें, अलग अलग विचार दें, अलग अलग ओपिनियंस हो उस कलेक्टिव नाउन के, तो ऐसी स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा यही है, द मोब भीड़ क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, कैसा है ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब हैव गैदर्ड इकट्ठा हो गई इन द मीटिंग हॉल, मतलब भीड़ मीटिंग हॉल में इकट्ठा हो गई, समूह का ग्रुप का भाव प्रकट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हैव हटा के क्या लगा देंगे हैज लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द मोब हैज गैदर्ड इन द मीटिंग हॉल, क्योंकि ये समूह का बोध करा रहे हैं, किसका भाव करा रहे हैं समूह, समूह का भाव प्रकट कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, और अच्छे लोगों के साथ ईश्वर हमेशा रहता है, अच्छे लोगों के लिए अच्छे लोगों का ही संगति मिलती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पंचायत वाज डिवाइडेड On that argument, अब पंचायत ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर क्या है ये भी कलेक्टिव नाउन है, अभी हमने रूल डिस्कस किया था कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग समूह के रूप में हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जब वो किसी चीज में अलग अलग राय दें, अलग अलग बटे हुए हों तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पंचायत वर डिवाइडेड अलग अलग थी, बटी हुई थी ऑन दैट आर्ग्यूमेंट उस तर्क पर, यहाँ क्या करेंगे हम अलग अलग होने पर अलग अलग के रूप में क्या लगाएंगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पंचायत वर डिवाइडेड ऑन दैट आर्ग्यूमेंट, कलेक्टिव नाउन जब अलग अलग बटी हो, अलग अलग ओपिनियंस हो उनके, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, सुरभि एंड सीमा वाज रीडिंग नॉवेल्स, जब दो या दो से अधिक नाउन अलग अलग वस्तु या नाउन अलग अलग भाव प्रकट करें, अलग अलग उनका सेंस हो और एंड से जुड़े हों, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, नाउन भी हो सकता है हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, अलग अलग नाउन दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, अलग अलग वस्तु हो सकती हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं, तो उन सबको
प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मच इजी। सुरभि एंड सीमा ये दो लेडी हैं, बच्चियां हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, स्टूडेंट्स भी हो सकती हैं, तो प्लूरल हैं तो वर्ब का यूज करेंगे। दो हैं सीमा, सुरभि एंड सीमा वर रीडिंग नॉवेल्स। लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, मतलब दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े हों और प्लूरल सेंस प्रकट करते हों तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेंटेंस है, यू सी एंड आई एम स्टूडेंट्स। यू प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है, ये तीन प्रोनाउन है, यू है, सी है एंड आई है। तो हमने बताया था कि जब भाई अलग अलग हैं ये, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग एम नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर लगाएंगे, आर स्टूडेंट्स। तुम, वह और मैं विद्यार्थी हैं। एक दो तीन, दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन अगर होंगे तो हमेशा अलग अलग अर्थ देते हैं वो, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो उम्मीद है एक एक चीज़ समझ में आई होगी आपके, और एक से दो बार अगर वीडियो को आप देखेंगे एक एक चीज़ समझ में आएगी। दो बार वीडियो कम से कम देखिए आप, तुरंत जस्ट ना दो बार देख लीजिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपके। और अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मेहनत करते रहिए, प्रसन्न मुद्रा रखिए, हमेशा खुश रहिए, जब भी पढ़ने बैठे प्रसन्न होकर पढ़िए, 10 लाइन नहीं 2 लाइन पढ़िए लेकिन प्रसन्न होकर, खुश होकर के, मन को खुश करके। पानी पीते रहिए, साथ साथ पानी की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि प्रसन्नता, ताजगी, विचार, स्वभाव, ये सब हमारे शिक्षा के लिए या अच्छी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम बेकार नहीं जाता, आज नहीं तो कल वो रंग दिखाएगा। मेहनत करते रहिए, बी केयरफुल, बी चीयरफुल। वाह, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू।